अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो नाज़रीन, चैनल आगे बढ़ाने से पहले, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे वही एक गुजारिश है जो हमेशा हमेशा रहती है, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, सपोर्ट मी। तो जी, आज आपके लिए बेहद ही लजीज मुरादाबादी पुलाव लाई हूँ, पुलाव रेसिपी जिसे अखनी बिरयानी भी कहते हैं। तो चलते अपने किचन की ओर, बनाते हैं ये लजीज सी बिरयानी पुलाव। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स देखिए, सबसे पहले मैंने एक पतीले में पानी ले लिया है, उसमें मैंने लिए हैं 4 बड़े चम्मच धनिया साबुत, 4 बड़े चम्मच सौंफ साबुत, 1 प्याज रफली कट कर ली है, थोड़ा लहसुन है, 2 तेज़पत्ते, थोड़े से खड़े मसाले हैं, 2-4 लौंग हैं, ये सब मैंने डालकर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसको 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं हल्की आंच पर। तो फ्रेंड देखिए, ये है मेरा चिकन धुला हुआ और पानी मेरा ये तो जी पानी मेरा बॉईल हो चुका है, सौंफ धनिया का आप देख सकते हैं, अखनी मेरी हो चुकी बॉईल। अब इसमें डाल दूंगी मैं अपना चिकन धुला हुआ, तो सारा चिकन डाल के 10 मिनट पका दूंगी इसको। सारा चिकन अपना इसमें ऐड कर देती हूँ। देखिए प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैं सारा चिकन इसमें अपना ऐड कर चुकी हूँ। अब इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे ऐसे ही खोल कर। तो चिकन मेरा पक चुका है, तो मैंने देखी सारी बोटियाँ, इसमें जो सारी चिकन था वो बाहर अलग निकाल लिया है और जो पानी था वो अलग कर लिया है। ये पानी भी हमारा काम में आने वाला है। यहाँ कुछ जाने वाले हैं हमारे खड़े मसाले, ये हैं 2 तेज़पत्ते, कुछ लौंग हैं, कुछ है काली मिर्च, 7-8 हैं छोटी इलायची, और ये 1 प्याज है बड़ी सी जो मैंने काट ली है। तो ऑयल हो चुका है हमारा गरम, सबसे पहले अपने ऑयल में डाल देंगे प्याज, प्याज ब्राउन करके बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैंने डाल दी इसमें प्याज, प्याज ब्राउन होने देते हैं अपनी। तो देखिए प्याज मैंने ब्राउन करके बाहर निकाल ली है। अब उस ऑयल में हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तो इस ऑयल में अब डाल दूंगी खड़े मसाले। तो देखिए सारे खड़े मसाले डाल चुकी हूँ, क्रैकल होने देते हैं खड़े मसालों को। तो बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट बिरयानी होती है, एक बार ज़रूर से ट्राई करें। इसे पुलाव भी कहा जाता है, बिरयानी भी कही जाती है। अब वो क्रैकल हो चुका है मेरा खड़े मसाले, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं चिकन, चिकन डालना शुरू कर दिया है। तो मैंने इसमें बोटियाँ डाली हैं अपनी कुछ करें, तो अपना चिकन फ्राई कर लेंगे इसी खड़े मसाले में पहले अच्छे से। तो जी अच्छे स्वादिष्ट खानों के, तो लजीज खानों के तो सभी दीवाने होते हैं, सभी को पसंद होते हैं लजीज अच्छे अच्छे खाने। तो इस तरह से बनाइए लजीज बिरयानी और अपने घर वालों का दिल जीतिए। तो मैं अपना सारा चिकन इसमें ऐड कर दिया है, मैं इसमें चम्मच चला दूंगी और अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। तो अच्छे से फ्राई हो गया है, मैंने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये 3 बड़े बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको डाल के मैं खूब अच्छे से भून लूँगी। तो इसको भुनने देते हैं 2 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड करूँगी अपना दही, 100 ग्राम मैंने ले लिया है दही। तो ये अपना दही मैं इसमें ऐड कर दूँगी, दही डालकर इसको 10 मिनट पकाएंगे, अच्छे से भून लेंगे। तो ये अच्छे से भुन गया है मेरे दही में भी। अब मैं देखिए ये बॉर्डर मैंने जो अलग किया था अखनी का चिकन से, वो बॉर्डर मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसमें मैंने अपने चावल डाल दिए हैं, अब देख सकते हैं आप इसमें खद्दे लगने शुरू हो गए हैं। बस इसमें मैं 1 विस्टल, पूरी 1 विस्टल ले लूँगी। तो 1 सीटी लगाने के बाद देखिए चावल मेरे एकदम खिले खिले बने हैं। अब ये है फूड कलर, तो फूड कलर अपना इसमें ऐड कर दूँगी मैं। तो अब सर्व करके दिखाती हूँ आपको लजीज की बिरयानी, देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है। इसको मैं अपनी जो मैंने प्याज निकाली थी ब्राउन करके उससे गार्निश कर दूँगी। तो देखिए जो लगने देखने में लग रही है यम्मी, तो खाने में कितनी होगी यम्मी। तो एक बार से ज़रूर ट्राई करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, प्लीज़ प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो जी अब मैं लगाने जा रही थी मशीन, तो मशीन आने से काम मेरा काफ़ी हो गया है हल्का, तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कपड़े धोने की। आयशा परेशान करती थी बहुत ज़्यादा, उसको सर्दी हो जाती थी। तो देखिए मैंने अपने इसमें कपड़े और सर्फ डाला है, बस पानी देख चुके हम स्टार्ट हो चुका है, बस अब कपड़े खुद भी वॉश हो जाएंगे। मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ, मैंने सिर्फ इसमें वाटर ऐड किया है और सर्फ,
तो देखिए कपड़े हमारे धुल चुके हैं, तो मैंने ऑफ कर दिया है मशीन। दिखाती हूँ अपने कपड़े आपको, तो देखिए कपड़े धुलकर हमारे निकल चुके हैं, सिर्फ ये हमें सुखाने हैं, है ना कमाल की चीज़। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए। अल्लाह हाफिज़।